के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज डेहरी ऑन सोन के जखी बिघा के एक निजी होटल में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दो दिवसीय कार्यकर्ता परिचय प्रोग्राम किया, जिसमें डेहरी संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रोग्राम के पहले पार्टी के समर्पित जदयू के कार्यकर्ताओं से परिचय पूछा और जानकारी लिया। वही कार्यकर्ताओं ने बूके देकर कुशवाहा को सम्मान दिया। श्री कुशवाहा ने कहा कि सबसे पहले इस यात्रा का शुरुआत चंपारण से शुरू किया गया है। इस तरह बिहार के सभी जिलों में इस प्रकार के प्रोग्राम करने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के तीन डेहरी विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। डेहरी विधानसभा के जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रभारी अरुण कुमार शर्मा, जदयू के जुझारू, डेहरी क्षेत्र के नेता प्रमोद महतो। पहले हम चर्चा करते हैं डेहरी अध्यक्ष विकास कुमार जी से। आप बताएं कि श्री उपेंद्र कुशवाहा में डेहरी में आने का मकसद क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार हम लोगों के नेता और संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार यात्रा भरमा है। इसी क्रम में उनका जो है आज डेहरी आगमन, खासतौर से रोहतास जिला के विभिन्न विधानसभाओं में दो दिवसीय इनका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर हम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। हमें लगता है कि इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले दिनों में हम और मजबूत होंगे। जिस तरह से विगत विधानसभा चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन जहां तक मेजोरिटी की बात है हम लोग पीछे काफ़ी रहे, उस मेजोरिटी को पाने के लिए हमको लगता है कि 2025 का चुनाव हम लोग 200 के पार सीट पाने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे इनके आने से। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप क्या कहेंगे? हम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वो डेहरी की धरती पे आए बिहार दौरा में, और डेहरी नगर में हम लोगों के सहयोग से उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। और हमारे कुछ साथियों ने ये बात बोला कि मेरी पार्टी इनके आने से नंबर वन पे जाएगी। मेरी पार्टी कभी नंबर वन पे थी? किसी के आने जाने से ये तो पार्टी में लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन पार्टी मेरा नंबर वन था और नंबर वन रहेगा। ये कोई भी आए कोई भी जाए, ये हमेशा से परंपरा रहा है, हमको ये देख के नहीं चलना है। लेकिन मेरे साथ जो आएगा, हमारी पार्टी में जो आएगा, उसका हम लोग वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, और डिहरी नगर में तो खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के साथ स्वागत होगा। आज आप लोगों ने देखा भी होगा। और विशेष मैं क्या बोलूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बातों को आप जनता तक पहुँचाए। मेरी पार्टी कभी भी नंबर वन पे थी और रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा का डेहरी ऑन सोन में प्रोग्राम था, किस मकसद से आए थे यहाँ? माननीय मुख्यमंत्री विकास कुमार श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पे पूरे बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दौरा है। उसी दौरान रोहतास जिले में भी आए और रोहतास जिला में उनका जो स्वागत हुआ, एक ऐतिहासिक रोहतास के धरती पर स्वागत हुआ। और माननीय हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यू में आने से हमको अब लगता है कि बिहार में नंबर वन की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनेगी। इसके कथक प्रयास के लेकर दो दिवसीय दौरा पर हैं और हम चाहेंगे उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं और जनता दल यू के पूर्व के जितने भी साथी हैं, एक तालमेल बनाकर रोहतास जिला के बिहार के नंबर वन पे जनता दल यू का संगठन बनाएं। मैं अरुण कुमार शर्मा, प्रभारी विधानसभा, औरंगाबाद।